Hi, my name is Valmeet and I'm 5 years old. And welcome to the Mimi family. Oh, Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, still drive me crazy. Tradition we celebrate. दोस्तों, तो मैंने सारा क्लॉजेट्स में से सामान निकाल लिया है। हस्बैंड का ये उनकी क्लॉजेट में था और ये सारा मेरी क्लॉजेट में था, क्योंकि मैं वैक्यूम करने वाली हूँ रूम्बा के साथ एंड इस पर काफ़ी सारी डस्ट है, इसको क्लीन करने वाली हूँ और वैक्यूम क्लीनिंग कर रहा है। सामान मैंने इसलिए निकाला है सारा ताकि अच्छी तरह क्लीन हो जाए। सो यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू Costco for grocery shopping and daddy die. Yeah, I love going outside. This is my favorite activity. तू भी क्या तो हम? Die! I love going. Okay, my newest socks. There was lizards. Okay, girl. हिम्मत के पास नई सॉक्स है, उस पर लिजर्ड बनी है और हिम्मत बहुत ज़्यादा excited है। हिम्मत के सारे पजामे ऊंचे हो गए हैं दोस्तों एंड हिमर के सारे शूज छोटे हो गए हैं। राइट मीमी, मीमी की जिंदगी में सबसे प्यारी चीज चल रही है ये लिजर्ड सॉक्स। Right, Mimi? Yeah, it's scary, but it's... Okay, दोस्तों, तो हम लोग रेडी हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। आउटफिट ऑफ द डे है इजी मिसगाइडेड जीन, फॉरएवर 21 इनर एंड अ कोटी है H&M एंड कोट है फॉरएवर 21। जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए। ओ नो, आपको मैंने हेलो हाय बोला नहीं, पर मैंने तो बोल दिया यार। ओके दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। आप जब कॉस्को जाने के लिए इतने एक्साइटेड हो जाते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि आप बुड्ढे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट कॉस्को की रह गई है ग्रॉसरी शॉपिंग की। ओके दोस्तों, तो आज मैं रेडी हो गई हूँ डेट पे जाने के लिए, प्यारी हेयर पिन लगा के। बहुत मेहनत हुई डेट पे लेके जाओगे कभी। ओके दोस्तों, एक दिन था जब मेरे पति मेरी रिक्वेस्ट करते थे कि चल पै डेट दे, और मैं कर दिया था लेके नहीं जाते। मैं कभी भी नहीं की थी। अच्छा प्यारी, मैं अब मिनटा कर दी हूँ कि प्लीज आ जा, तेरे को मैं दाने छटाने ही ना। हाय के डमीना, बहुत तो ही मैं नहीं कभी भी क्या। अच्छा, घर दे बाहर गेड़िया ते केड़िया मार दे, अपनी लोड़ नु आंदी की तुमको। मेरी कादी लोड़ है दोस्तों, ऐसे होते हैं पति, पहला तू मिंटा करते फिर मुकर जाते। This is my husband holding my bag. He's a cutie pie, but he always fight with me. I hate him. Okay, husband, give me my bag. My topi bag. ओके दोस्तों, तो आज कॉस्को में इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है। ओके, तो इस एरिया से मैं देखने वाली हूँ हिम्मत के लिए कोई अच्छा सा पजामा घर में पहनने के लिए, अगर हमें मिले तो, क्योंकि हिम्मत की टांगें बहुत ज़्यादा जल्दी लंबी हो जाती हैं और इसका जवाब हिम्मत के पास भी नहीं है। ओके दोस्तों, हिम्मत को कई सारे टॉयज पसंद आ रहे हैं पर वो उसके पास ऑलरेडी हैं या फिर वो अच्छे नहीं हैं, पर वो बेचारा उदास हो गया है थोड़े समय के लिए, पर अब थोड़ा ठीक हो गया है क्योंकि उसे वो टॉयज नहीं मिले। ओके
ओके तो हमने ऑलमोस्ट हमारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है, अब हम जा रहे हैं, नॉट जा रहे हैं, लाइन में है फार्मेसी की. और हस्बैंड सेड ही इज़ वेरी हंग्री. इसे कहते हैं लाइफ अपडेट, इमीडिएट अपडेट्स देंगे. हस्बैंड ने अपनी कोटी की जेब खोली है दोस्तों. मैंने पीसेस जो होंगे स्मॉल स्मॉल स्मॉल, देन यू कनेक्ट 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 एंड मेक इट लॉक. यहाँ पे पहुँचे की बाल्टी पड़ी और हिमल को टेंशन है कि अंदर ब्रूम फिट कैसे हुआ है. मम्मी आ गया डस्टर, वेरी गुड. ओके दोस्तों, तो हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है फिनिश. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड हो गई है, मारा मरी हो गई है दोस्तों पार्किंग की. ये मेरे पति के वर्ड्स है, मेरे नहीं है. माँ जो भी मेरा दिल करते बोल बोल के थोड़ा नाम ला दो, बड़ा ही मजा आ रहा. दिस इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीलिंग एवर. पट्टी पे तवा लगा के दोस्तों बहुत ही सुकून मिलता है. फिर वो कट देना, मैं नो नो, फिर एडिट दैट पार्ट इज एडिटेड. यही से वो आ मेरे को पावर. लेट्स गो होम, यू वांट टू ईट समथिंग. ओके दोस्तों, तो बाहर सुहावना मौसम है, समय हुआ है 3:53 और खाली सारा मज़ेदार. हम लोग घर जा रहे हैं, हस्बैंड का चिपोटले खाने के लिए मन था पर अनविनी से गया, स्विच कर दिया समोसे. आज समोसे खाएंगे हम चाय के साथ. उसके पहले मैं आपको लेके जाऊंगा एक अद्भुत जगह पे. अद्भुत केड़ी? रूहानियत से बड़ी अद्भुत जगह. I can see it just a mile away from this crowded place. I could lay there next to you. You see the mysterious place, Daddy? Yes, come on. Come on in. Chubby, cut lo, jindagi. Daddy, all of this for a pop? Just let me escape for a minute. सुदारी लेके आए हमें उजाड़ में. ओके दोस्तों, तो मैं आपको लेके आई हूँ आज के खूबसूरत जगह पे जो मैंने ही ढूंढी है. ओके दोस्तों, तो हम लोग थोड़ी सी वॉक करने के लिए आए हैं. ये आउटडोर आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, सो यहाँ पे थोड़ा सा समय स्पेंड करते हैं. आ जाइए, आपको भी दिखाते हैं कि कैसा है. डैडी प्लीज डोंट मूव कैमरा. हाय, दोस्तों आ जाइए प्लीज. बिना पत्तियां दे और बिना होना दे किधर आता जी है ना. आई लाइक ग्रीन.
दोस्तों, तो अंदर आके हमें ये थोड़ी सी हैलोवीन की डेकोरेशन मिली है एंड यहाँ से ये कितना ब्यूटीफुल ओके दोस्तों, तो हमने समोसे ले लिए हैं और आलतू फालतू चीजें ले ली हैं जो बाद से हम लोग कहने वाले हैं कि ओ ओ वडियो नहीं ही ब्ला ब्ला, पर समोसे नॉट बैड होते हैं। हम कर चल रहा है ओके सो मैंने चाय रख दिया हमारे लिए, हम खाने वाले हैं चाय। ओके दोस्तों, तो चाय बन चुकी है और समोसा पति ने खा लिया है और हम पियेंगे चाय और समोसे का मजा लेंगे। आज की वीडियो की एडिटिंग फिनिश हो चुकी है, अपलोड हो गई है व्लॉग और समय हो चुका है 8 o'clock। आज बहुत लेट है और हस्बैंड बार बार चुनमुन कह के हिम्मत को गुस्सा दिला रहे हैं। मम्मी इज कॉलिंग यू फनी नेम्स। मम्मी ही सेइंग समथिंग अगेन। This is my dad. He can say anything to me. This is my Peter and he don't can say anything. हेलो दोस्तों, तो मेरा वीडियो एडिटिंग एंड अपलोड से डन है। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ फिनिश करने में क्योंकि हम मोस्टली सारा दिन बाहर रहे और अब समय 9 o'clock हो चुका है। अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ी सी ग्रॉसरी की हॉल की क्या क्या लेके आए हैं हम। हर तरफ सामान फैला हुआ है क्योंकि मैंने सेट नहीं किया है और अब मैं सेट करने वाली हूँ एंड हस्बैंड के लंच बॉक्स बनाऊँगी। और क्या क्या लेके आए हैं हम लेके आए हैं एंटी बैक्टीरियल हैंड सोप क्योंकि इससे हैंड वॉश करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लगता है कि यार हाथ चंगी तरह क्लीन हो गए हैं, बैक्टीरिया मर गए हैं। चिप्स, जो कि हिम्मत खाता है, हमारे घर में हम लोग ज़्यादा चिप्स नहीं खाते हैं। मुझे लगता है कि आपने मुझे कभी चिप्स खाते हुए देखा होगा क्योंकि हम नहीं खाते हैं। तो दिस इज़ फॉर हिम्मत, वो सदियाँ लगाएगा इनको ख़त्म करने में। डिश वॉशर सोप, लॉन्ड्री डिटर्जेंट लेके आई हूँ मैं, बेरीज हैं, एग हैं, बनाना है, जिंजर है, जिंजर बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ आया है $5 में, इतना सारा। और इसको मैं क्या करने वाली हूँ, फ्रीज करके रखने वाली हूँ क्योंकि इतना हमसे ख़त्म नहीं होगा। और बनाना है, लाइम है क्योंकि लाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे किसी भी सैलड्स के लिए, उसके बिना मुझे मज़ा नहीं आता। आलमंड्स हैं क्योंकि इनके आलमंड्स हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं किटलैंड के और इसे हम भिगो के खाते हैं सुबह। एंड जिंजर गिर गया एक, एंड देन हिम्मत का जूस है एंड ये है मेकअप वाइप्स। मुझे इनकी मेकअप वाइप्स अच्छी लगती हैं, अफोर्डेबल हैं। आई थिंक कितने की आती है, 16 समथिंग की आती हैं, 180। और अगर आप नॉर्मल किसी ब्रांड का लो तो एक ही पैक आता है हाउ मच, $10 में। और आज इस पर $5 ऑफ था सो 11 में मिला है मुझे ये। और बहुत अच्छी वाइप्स है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत ही सॉफ्ट हैं, लाइक सेंसिटिव हैं ये। और टॉयलेट क्लीनर है ये, ऑलिव ऑयल जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये नीचे रैक पे जाएगा। मिल्क एंड लेटस है। और ये वाली चिली लेके आई हूँ मैं इस बार, ये जो चिली है एक्चुअली में चिली नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही है शो ऑफ। इसे मैं इसके लिए लेके आई हूँ क्योंकि इस बार जो लेमन है बहुत ही प्यारे हैं, लाइक पतले छिलके वाले हैं। इसको मैं अचार बनाऊंगी कुछ लेमन का मिर्ची ऐड करके। सो क्योंकि ये मिर्ची नहीं है तो हमें अलग से मिर्ची ऐड करनी पड़ेगी, पर इसकी रेसिपी हम सुबह लेंगे मम्मी से कोई प्यारी सी, बिकॉज शी इज़ अचार एक्सपर्ट। क्रीम लेके आई हूँ मक्खन के लिए एंड मेरी चाय के लिए, एंड बाकी चीज़ें मोस्टली मुझे लगता है मैंने सेट कर दी हैं। और हमने आई थिंक 325 स्पेंड किए। फ्रीज़र में कुछ आइटम्स हैं, ऑर्गेनिक बेरीज हैं, हिम्मत की आइसक्रीम है, हमारी आइसक्रीम है, और ये जो हम वॉन्टन्स खाते हैं चिकन वाले। अब समय आता है किचन को क्लीन करने का क्योंकि बहुत काम पड़ा है मेरा। यस ओके प्यारे दोस्तों, तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। ये जो मेरे व्लॉग्स हैं बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हैं,
कोई भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं है इसमें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे साथ जुड़ जाएं, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली हूँ। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी।